दोस्तों स्मार्टफोन आज की डेट में डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुका है। मतलब स्मार्टफोन में आपकी सारी जरूरी चीजें रहती हैं। आप बैंकिंग और फाइनेंस की बात कर लीजिए, आप फोटोज की बात कर लीजिए, वीडियोज की बात कर लीजिए और कॉन्टैक्ट्स की बात कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों कॉन्टैक्ट्स की अगर बात करते हैं, फाइल और फोल्डर्स की और फोटोज की अगर बात करते हैं, तो एक फोन बेचने से पहले सबसे जरूरी होता है कि आप इन सबका बैकअप ले लें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि आपका जो अकाउंट होता है दोस्तों वो आपके फोन से सिंक नहीं होता और यहाँ पे बहुत सारी फोटोज, फाइल, फोल्डर और कॉन्टैक्ट्स तक दोस्तों आपके अकाउंट से सिंक नहीं होते हैं। अब वो सिंक नहीं होते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन में रहती हैं। अगर ये सारी चीज़ें फ़ोन में है और यहाँ पे आपने दोस्तों अपना फ़ोन बेच दिया या फिर उसको रीसेट कर दिया, आप ये चीज़ें दोबारा नहीं ले सकते क्योंकि वो एक बार दोस्तों डिलीट हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। यहाँ पे किसी का कॉन्टैक्ट, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट अगर डिलीट हो जाता है तो आपको पता है कि कितनी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना है कि बैकअप ले लेना है अपनी फाइल, फोल्डर और एप्लीकेशन। अब दोस्तों यहां पे मैं एप्लीकेशंस की अगर बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे दोस्तों WhatsApp जैसी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। तो WhatsApp का भी दोस्तों यहां पे आपको बैकअप लेके रखना है, बैकअप ले लेना है अपने सारे कॉन्टैक्ट्स का, फाइल, फोल्डर, इमेजेस का और दोस्तों अपनी ईमेल्स का। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती है जो आपके फोन में सेव होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है यहां पे दोस्तों, अपना फोन बेचने से पहले बैकअप जरूर ले लीजिए। अब दूसरा निकल के आता है दोस्तों, फैक्ट्री रीसेट। अब फैक्ट्री रीसेट हम बहुत बार करते हैं लेकिन आपको पता है जब आप फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप ये मेक श्योर कर लीजिए फैक्ट्री रीसेट करने से पहले कि जितने भी आपके अकाउंट उस फोन से लिंक्ड हैं वो सब आपने लॉग आउट कर दिए। बहुत बार दोस्तों फैक्ट्री रीसेट करने के बाद आपकी सारी चीज़ें चली जाती है लेकिन जो आपका जीमेल अकाउंट है दोस्तों या गूगल अकाउंट या जिस अकाउंट से भी दोस्तों आपके फ़ोन में आपने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों वो अकाउंट एज इट इज़ रहता है। जी हाँ दोस्तों, वो अकाउंट नहीं जाता है। तो मेक श्योर कि फैक्ट्री रीसेट करने से पहले जितने भी अकाउंट है आपके स्मार्टफोन में उसको डिलीट कर लीजिए, वरना क्या होगा, फैक्ट्री रीसेट आपके ने कर लिया लेकिन आपका जीमेल अकाउंट एज इट इज रह गया, वो लॉगिन है, यहाँ पे आपने फोन अपना दे दिया किसी और को और आपको पता है कि यहाँ पे आपके एक पर्सनल अकाउंट से आपके बैंकिंग से लेके हर एक फाइनेंशियल चीजों तक का चिट्ठा आपके पर्सनल ईमेल पे होता है तो वो इजिली एक्सेस किया जा सकता है। तो मेक श्योर कि यहाँ पे इन्विटेशन ना दे, एक बार लॉग आउट कीजिए फिर फैक्ट्री रीसेट कीजिए। दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारे पास स्टोरेज की तरफ से निकल के आता है। माना स्टोरेज आजकल फोन में दोस्तों काफी हाई है, 128 GB, 64 GB तक आपको देखने के लिए मिलता है लेकिन एट सम पॉइंट दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वो स्टोरेज भर जाता है क्योंकि आजकल एप्लीकेशन का साइज इतना बड़ा बड़ा हो गया, गेम्स के साइज इतने बड़े हो गए तो यहाँ पे वो भर जाता है। आप लगाते माइक्रो एसडी कार्ड, अब जो वो लगा देते हैं यहाँ पे हम भूल जाते हैं क्योंकि काफी लंबे टाइम से हम अपना स्मार्टफोन यूज करते हैं तो भूल जाते हैं। मेक श्योर कि आप फोन किसी को देने से पहले चेक कर ले कि उसमें माइक्रो एसडी कार्ड आपने लगाया तो नहीं था, क्योंकि अगर लगाया था तो प्रिटी श्योर कि उसमें फोटोज, फाइल्स भी होंगी आपकी जो आपने स्टोर की होंगी। तो दोस्तों एक बार किसी को भी फोन देने से पहले ये जरूर देख ले कि उसमें माइक्रो एसडी कार्ड तो नहीं लगा हुआ, तो वो चेक करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों चौथे नंबर पे हमारे पास निकल के आता है इंक्रिप्शन। वैसे तो ज़्यादातर फ़ोन जो आज की डेट में आ रहे हैं दोस्तों वो पहले से इनक्रिप्ट होते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये मेक श्योर कर लेना बहुत ज़रूरी है कि वो इनक्रिप्ट है या नहीं। अगर नहीं है, आप फ़ोन की सेटिंग में जाके मैन्युअली उसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं। अब इनक्रिप्ट करने से फ़ायदा ये होगा, जब आप एक बार अपना फ़ोन रीसेट करेंगे तो यहाँ पे जो फ़ोन का डेटा था ना जो फ़ोन में दोस्तों, उसको एक्सेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा और आपका डेटा एकदम सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो मेक श्योर अगर वो इनक्रिप्ट नहीं है, आपका फ़ोन इनक्रिप्ट नहीं है पहले से, तो उसको सेटिंग में जाके आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपने बैकअप ले लिया, माइक्रो एसडी कार्ड चेक कर लिया, यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स एंड जीमेल लॉग आउट कर दिया, इसके बाद दोस्तों आप अपना फोन जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट्री रीसेट पे जाके उसे कंप्लीट फॉर्मेट कर दीजिए और फैक्ट्री रीसेट करने के बाद अपनी सिम जरूर निकाल लेना। हालांकि दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है लेकिन सिम निकालना ना भूले। तो दोस्तों इसके बाद फाइनल स्टेप आपको करना क्या है कि आपके फोन के प्राइस, आपको पैसे अच्छे मिले तो मेक श्योर कि जब भी आप कोई नया फोन ले उसका डब्बा कभी नहीं फेंकें क्योंकि डब्बे की वैल्यू बहुत होती है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना फोन क्लीन करके अच्छे से डब्बे में पैक कर देना है। पैक करने के बाद जब आप उसको सेल करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर आपको डब्बे के साथ पैसे ज्यादा मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा फोन बेचने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे दोस्तों डेटा फ्रॉड बहुत हाई लेवल पे, जैसा मैंने बताया, तो आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें ये बहुत जरूरी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल और दबा दीजिए बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।